अगर आप भी YouTube वीडियो बनाते हैं तो अक्सर आपको अपनी वीडियो में इस्तेमाल करने के लिए इमेजेस की ज़रूरत पड़ती होगी। वैसे तो Google से आप जिस तरह की इमेज चाहें उस तरह की इमेज को डाउनलोड करके अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अक्सर हम Google से जो इमेज डाउनलोड करके अपनी वीडियो में इस्तेमाल करते हैं उस पर हमें कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। लेकिन अगर हम सही तरीके से गूगल से इमेज डाउनलोड करें और अपनी वीडियो में इस्तेमाल करें तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप गूगल से इमेज डाउनलोड करें जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कॉपीराइट क्लेम कभी भी नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारतवीर, स्वागत है आपका मेरे चैनल YouTube थिंक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। हमें अपने मोबाइल में ओपन करना है गूगल क्रोम। ओपन करने के बाद हमें उसे डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेना है। डेस्कटॉप मोड में ऑन करने के लिए ये जो तीन बिंदु हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे ऑप्शन है, देखो यहाँ डेस्कटॉप साइट, उसके आगे जो बॉक्स है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो गूगल क्रोम है वो डेस्कटॉप मोड में ऑन हो जाएगा। अब आपको जिसकी भी इमेज डाउनलोड करनी है हम वो यहाँ पर टाइप करेंगे। मान लीजिए अभी मुझे महेंद्र सिंह धोनी की कोई भी इमेज डाउनलोड करनी है तो यहाँ मैं सर्च करूँगा महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद देखो अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर का इमेज, हम इमेज पे क्लिक कर देंगे तो अब हमारे सामने यहाँ धोनी की सिर्फ इमेजेस यहाँ पर शो करेंगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है टूल्स का, टूल्स में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर ऑप्शन आ गया है नीचे यूजेस राइट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपके सामने ऑप्शन आ गया क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस और कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस। तो हमें क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने जितनी भी इमेजेस आई हैं ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप इनमें से किसी भी इमेज को डाउनलोड करके अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। अब हमें इमेज को डाउनलोड कैसे करना है, मान लीजिए पहले नंबर की इमेज है मुझे ये डाउनलोड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब देखो ये इमेज यहाँ पर आ गई है राइट हैंड साइड में ऊपर। अब इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इमेज पे अंगूठे से कुछ टाइम के लिए दबा के रखेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखो नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है डाउनलोड इमेज, तो हम डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो इमेज है हमारे मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी। अब आप इस इमेज को अपनी किसी भी YouTube वीडियो में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।